स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड आज हम देखिबा किछ रेस्पिरेटरी डिजऑर्डर से रेस्पिरेटरी डिजऑर्डर को आपा नंबर 1 पढ़ना अस्थमा तमन तम फैमिली तो केमती ना केमती हम देखिबो अस्थमा पेशेंट मान को से माने कोन होती से मान को गोटी ह्विजिंग साउंड पे इनहेलेशन कॉल टाइम रे कोन है एक्चुअली अस्थमा रे दिस इज आवर ट्राकिया एटा हमर ब्रोंकाई अछि एमे डिवाइड करी कोन बनै छै ब्रोंकियोल एंती बनै छै एंती ब्रोंकियोल बनै छै कोन रे मन कर आर थिकनेस एतिक थिला आर थिकनेस कोन एतिक थिला आर अधिक थिला थिकनेस एमन कर थिकनेस एंती थिला धीरे धीरे कोन हे गेला कॉन्स्ट्रिक्ट हे गेला ए जो वॉल अछि कोन हला ए कॉन्स्ट्रिक्ट हे गेला माने सपोज एंती थिला थिकनेस धीरे धीरे पूरा कमी गेला एंती कॉन्स्ट्रिक्ट हे गेला तमने कौन है देखो एंटी है ना एंटी है ना पर कॉन्स्ट्रिक्ट है ये कौन है ना एड स्मूथ मसल नहीं की तेरी एवं को वाल कौन स्मूथ मसल को नहीं की तेरी एंटी कौन है जो कॉन्स्ट्रिक्ट है उसे स्मूथ मसल कौन है उसे कॉन्स्ट्रिक्ट है उसे ट्राकिया अछि ब्रोंकाई अछि एमन पर स्मूथ मसल कोन हे अछि कॉन्स्ट्रिक्ट हे अछि सो से हमर डायमीटर कोन कमी हे अछि कोन हे कॉन्स्ट्रिक्ट के बदला से हमर डायमीटर कोन हे अछि से वाला डायमीटर कोन हे अछि कमी हे अछि से दिमाग हे इनहेलेशन कोला टाइम रे ह्विजिंग साउंड आउ छि इनहेलेशन एक्सहेलेशन कोला टाइम रे कोन हे छि कोटे ह्विजिंग साउंड आउ छि बुझलो काय जे कॉन्स्ट्रिक्ट हे छि ठीक से एयर पास कर पारे जते कोन हमर क्विजिंग साउंड आउ छै एक्चुअली एटा काई की हुए एटा हमर गुड एलर्जिक सिम्टम एटा रे गुड टाइप ऑफ एलर्जी जेतो हम पढिबा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से हम एलर्जी कॉजिंग एजेंट बिषय तुम कहबे सो केतो जों कोन हे स्पेसिफिक जिंस प्रति नै की किछ एलर्जन थाय तो स्पेसिफिक से उडा ना से बारे में कोन से मान को बॉडी रे किछ एलर्जी क्रिएट हुए गुड इम्यून रिस्पोंस गुड एग्रेसिव इम्यून रेस्पॉन्स क्रिएट हमारे बॉडी रे जो एलर्जी रे हिस्टामिन रो हमर जो मास्क सेल अछि से कोन करे हिस्टामिन रो सिक्रेशन को बढ़ाई दे हिस्टामिन सेरोटोनिन ए सब कोन हे जे बढ़ी जाए ए सब बढ़ी गेले एलर्जी टाइम में हिस्टामिन सेरोटोनिन रो कंसंट्रेशन बढ़ी उठि जाए सेरो मींस मसल मतलब सेरो मींस मसल एटा हम स्मूथ मसल कथा देखु छै ना टोनी मींस कंट्रैक्शन स्मूथ मसल देखो एडी किंतु कंट्रैक्ट हेगी रहे सो सेरोटोनिन जो को एक्चुअली होती सेरोटोनिन अधिक होबा जको से कोन बुझ मसल को कंट्रैक्ट कर दो सो मसल कंस्ट्रक्ट हे जबा जो को हमर कोन होची ट्राकिया ब्रोंकर डायमीटर कमी जाउची प्रॉपर्ली एयर पास हे पर से पई गुडी क्विजिंग साउंड आछी एलर्जी हमर सबले मन होई मन पर जिन से मन रखबो हमर जो अछे एंटीबॉडी तको हम इम्यूनोग्लोबुलिन बोली लिखतो एंटीबॉडी को हम ए भी लिख पाइबा बा ता पाउडर कोन को जे इम्यूनोग्लोबुलिन एम टू लिख पाइबा आई जे बहुत टाइप रो इम्यूनोग्लोबुलिन हमर बहुत टाइप रो जी अछि ए अछि एम अछि डी अछि ई अछि ए अछि बी बहुत सारा अछि सो जो एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी ए तुम के पढ़ी दो सो इम्यूनोग्लोबुलिन ई बॉडी जे गुटे वेरिएंट इम्यूनोग्लोबुलिन हमर एलर्जी केस रे ही ए जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई बहुत मात्रा रे कोन हुए फॉर्मेशन हे बारे लागे से त एलर्जी केस रे सो सम पछि परबो अस्थमा गुटे कोन एलर्जी रेस्पोंस की नाही यस एडा गुटे एलर्जी रेस्पोंस काहे की स्मूथ मसल हमर कॉन्स्ट्रिक्ट कर दोची कार ट्राकिया ब्रोंकाई ब्रोंकियोल स्मूथ मसल कॉन्स्ट्रिक्ट हे जाउछ कोन प्रोड्यूस होची कोन इम्यूनोग्लोबुलिन को एंटीबॉडी आईजीई प्रोड्यूस होची बेसी से केमिकल ना कोन सेरोटोनिन हिस्टामिन रो कंसंट्रेशन इंक्रीज होची ह्विजिंग साउंड गुटे प्रोड्यूस होची दिस इज ऑल अबाउट अस्थमा हेलो एबे मैं आगर डिजीज देखिबा एम्फाइसिमा डिजॉर्डर
सिगरेट स्मोकिंग करछ ए जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी भीतर को जाउछ बॉडी भीतर छ हमर ट्राकिया अछि ब्रोंकाई अछि फाइनली हमर कोन अछि अल्वियोलाई अछि फाइनली हमर कोन अछि अल्वियोलाई अछि जो अल्वियोलाई रे कोन अछि सरफेस एरिया बढ़िया पाए एमते अल्वियोलाई भीतर कोन अछि ए जो ए स्ट्रक्चर तो जडा म देखौ छी दिटा अल्वियोलाई दिटा सेल भीतर हमर पा सेप्टम फॉर्मेशन हे जाय कोन फॉर्मेशन हे जाय सेप्टम इंक्रीज द सरफेस एरिया सो दैट गैसेस एक्सचेंज भल से गैसेस डिफ्यूजन भल से कौन डिफरेंट सेल भर कौन थे सेप्टम थे अल्वियोलर वॉल भितर तो कौन है प्रोलोम जो स्मोकिंग तुम कर सेप्टम डिजेनरेटिव हो भाव ये ब्लड प्रेशर एमती थी ये ब्लड प्रेशर एमती थी ये ब्लड प्रेशर बहुत सारा जाइए कौन थी डिफ्यूजन होता कौन होता डिफ्यूजन होता ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कौन हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन जल्दी एबे कौन है ला जब स्मोकिंग तुम कर सेप्टम डिजॉल्व हो मैं वार्ड नॉर्मल जो एमती थी एबे कौन है ये डिजॉल्व हो गया सेप्टम कौन है एम सब डिजॉल्व हो गए मैं डिजॉल्व कौन है फाइनाली गोटे एमती गोटे स्ट्रक्चर बनीगला अल्वियोल लंग्रे आम कौन एक्चुअली लंग नाम कि सी अल्वियोल कहीं फॉर्मेशन है तो इनक्रीज द सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर्ली डिफ्यूजन हो बोली से सरफेस एरिया इनक्रीज करिया पे माइनट माइनट ग्रेबलाइक अल्वियोलर स्ट्रक्चर से फॉर्मेशन कर छे फॉर प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज मेकैनिज्म जदी भाव जो मेकैनिज्म पाई सेटा बना है जी जदी सेटा है कोन हैला डिजॉल्व होइला जो वॉल के हेल्प करथिला काई के बहुत सारा स्ट्रक्चर बनुथिला एबे गोट सिंगल स्ट्रक्चर बनिला बाबा लॉन्ग गोट सिंगल स्ट्रक्चर रो छोट छोट अल्वियोलर रे परिणत होता बट ए देख से वाल डिजल्व हो रहा मैंने गोटे बड़ स्ट्रक्चर भाई देखा ये गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर्ली हो पारे सो कौन है गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर्ली कौन हो पारे गैसेस एक्सचेंज कौन हो पारे बट प्रॉपर्ली क्रॉस मार्केट मैं तार मीनिंग नहीं बिल्कुल भी पारे आगे जमी होते सेमती हो पारे आर रिजन कौन ड्यू टू ड्यू स्मोकिंग स्मोकिंग जो एम्फिजमा हुए आउ गए डिजल्व देखा जो ऑक्यूपेशनल डिजॉर्डर को जा माने भव ए जो डिजॉर्डर सब ऑक्यूपेशन को रिलेटेड है ना सो दैट एम ए एडा ऑक्यूपेशनल डिजॉर्डर ना पडु छे ऑक्यूपेशनल डिजॉर्डर माने सब भव एमटी किछ इंडस्ट्री बहुत सारा इंडस्ट्री अछंदी जोड़े कि कौन हुए बहुत सारा डस्ट पार्टिकल मिले माइन गुड़ाकर कौन आजबेस्टस जो तैयारी हुए सही होगा जो फाइबर आम तैयार हुए बहुत सारा कौन डस्ट मेटेरियाल कौन एयर मानते पल्यूटन बड़े बुल था जितना से कौन करूँ इनहेल करूँ थे गले किसी ना दिथर गले किसी ना बट जो कौन वर्ष वर्ष लगातार तुम से इनहेल कर टॉक्सिक सब्सटेंस गुड़ा कौन होती तुम बॉडी भितर को तुम लंग भितर से एक्युमुलेट होक्युमुलेट हो कौन हो जो लंग फाइबर अच्छे जो लॉन्ग टर्म कौन फाइबर फॉर सपोर्टिंग से फाइबर कौन हुए थिकनिंग है कि फाइब्रोसिस से कन्वर्ट हो जाए फाइबर थिकनिंग है कौन है जो लॉन्ग में हमारा फाइब्रोसिस हो जाए ऑक्यूपेशनल डिजॉर्डर ऑक्यूपेशनल डिजॉर्डर बहुत प्रकार फॉर एग्जांपल यदि हम देखिए निमोकोनियोसिस निमोकोनियोसिस हो जी डिपोजिशन ऑफ डस्ट डस्ट पार्टिकल यदि डिपोजिशन हो तो कौन कौन कहले फाइब्रोसिस हम डस्ट पार्टिकल द्वारा कंटिन्यूसली भाव तुम गोटे जिनस डिपोजिट हो लंग उपर कौन फाइब्रोसिस लंग में कौन है फाइब्रोसिस सो जो डस्ट पार्टिकल जो निमोकोनियोसिस कौन व्यक्ति में भी हो पार कह निमोकोनियोसिस डस्ट आसाला कह निमोकोनियोसिस माइनस पार्टिकल आस कौन तुम इनहेलेसन कला कल टाइम प्रोलोम टाइम पर्यटन तुम लगातार कौन वर्ष वर्ष धरी कम कर जमा हो जाए भी फाइब्रोसिस हुए तुम आजबेस्टोसिस बहुत सारा फाइब्रोसिस तुम कौन कर जो फाइबर मोर कटन फाइबर अच्छे कौन बहुत सारा सिंथेटिक फाइबर भी बने से सब कौन हुए
ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କ'ଣ ହୁଏ ଡିପୋଜିସନ୍ ହେଇ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମର କ'ଣ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ହୁଏ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଅକ୍ୟୁପେସନାଲ ଡିଜର୍ଡରରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ା କରୁଛୁ, ହେଲା ନିମୋକୋନିଓସିସ୍ ହେଇଗଲା, ଆଜବେଷ୍ଟୋସିସ୍ ହେଇଗଲା, କଟନ୍ ଫାଇବର ହେଇଗଲା, ଭେରାଇଟି ଫାଇବର ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ଏକ୍ୟୁମୁଲେଟ୍ ହେଇ ହେଇଯାଏ, ହେଲା। ସୋ ଏଥିରେ ତ ତମର ସରିଲା ରେସ୍ପିରେଟରି ଡିଜର୍ଡର। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଏନିମିଆ, ସରି ଆଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ସିକ୍ନେସ୍, ସେଇଟା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଲେକ୍ଚର ତମକୁ ପଢ଼ିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ତ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।